अरे कल इसको आप लोगों ने चेक किया, कल वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अरे अच्छा जी, इसके लिए कल सबसे पहले हमें बैकएंड पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। देखें, मैं चाहता हूँ लाइव सर्च हो। यहाँ पे जैसे जैसे मैं कीवर्ड टाइप करता जाऊँ, वो नीचे वो वाली चीज़ें साथ साथ फिल्टर होती जाएं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें बैकएंड पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अगर बैकएंड पे अपनी एक एपीआई लिखनी है, तो हमें डाटा बेसिकली गेट करना है, तो गेट की एक अदद हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। बल्कि ये लिखी हुई है, देखें, सर्चिंग ये हमने बना ली थी कल, मेरा स्टार्ट करना था तो यहाँ भी छोड़ दिया था। डाटा मेरा पड़ा हुआ है यूज़र के अंदर, मैंने करना क्या, फाइंड फाइंड मैंने रिकॉर्ड फाइंड करना है। इसका तरीका होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप यहाँ पे डॉलर साइन लगा के और का मेथड हमें मिलता है यहाँ पे, और का मेथड। इसके अंदर एक अरे बनती है इस तरह, और में ये होता है कि ना, मल्टीपल ऑप्शंस में से आप एक आध चूज कर सकते हैं। हो सकता है जो यूजर टाइप कर रहा हो यहाँ पे, मैंने अज्यूम करें मैं वर्ड ए करता हूँ। अब ए हर फील्ड में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो इससे रिस्पेक्टिव डाटा कर देगा। अगर मैं ए डी करता हूँ तो वो एडमन है, ये दोनों को कर देगा, इसको कर देगा, इसको कर देगा फिल्टर। और अगर साथ मैं आर आई जेड करता हूँ तो ये वाली लाइन कर देगा। यानी आपने पॉसिबल जितने भी कॉलम्स है ना, सब में से ही फिल्टर करना है। हाँ, चाहें तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो सिर्फ नाम को सर्च करना चाहते हैं तो नाम पे क्यूरी लगा लें, तरीकाकार सेम ही रहेगा। अब उसके लिए हमें यहाँ पे मेथड लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी जो मॉडल में आपने बनाई हुई है डेटाबेस में। इधर आए, यूजर प्रोफाइल, इधर आए, यूजर प्रोफाइल, डेटा जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा किधर है, ये पड़ा। नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ये चार प्रॉपर्टी आपने सर्च अगर करनी है तो आपको चारों की लॉजिक्स भी लिखनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे जाके पहले मैं नेम बनाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में सर्च करने का तरीका यही होगा, आर ई जी ई एक्स, रिजिक्स, ये उसकी कमांड है। अगर आपने कोई चीज अपने अवेलेबल डेटाबेस में सर्च करनी है, या बेशक क्लाइंट साइड पे कर लें चाहे बैकएंड पे कर लें, उसमें वही रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट ये वाली की, जो वो की टाइप करेगा, ये हम यहाँ पे टाइप करके गेट करेंगे। इसको मैं एज ए की कंसिडर करूंगा, ये वाली की जो भी टाइप करेगा वो वाली की मैं एज ए पैरामीटर वहां से ब्राउजर में पास करूंगा यहाँ पे, और ब्राउजर में से उठा के यहाँ पे भेज दूंगा। ये हमने देखा भी हुआ, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ये देखें, पैरामीटर को उठाना यू आर एल में से। ये आपका एक प्रोसेस हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पोस्टमैन पे आ जाएं, यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे एक नया ले लेता हूँ मेथड, 5000 है, और उसके बाद है सर्च, कॉपी कर लें इसको भी, 5000 ही है हमारी कोड, हाँ जी 5000 ही है। और यहाँ पे कोई भी मैं की दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं उसको कह देता हूँ मुल्तान, ये मैंने की उसको सर्च की,
अभी मेरा वो प्रोसेस नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि हमने इसको एसिंक का वेट तो बनाया ही नहीं है। इसको फिल करें एक दफा। तो एसिंक का वेट भी बना लें, वैसे एसिंक का वेट बना लें, चलो बना लें, क्योंकि डाटा आपका लाइव आना है, आपने एक हिट करनी है रिक्वेस्ट, तो इसको मैं वेट कर लेता हूँ और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट के अंदर, और यही वाला रिजल्ट मैं सेंड कर देता हूँ रिस्पॉन्स को, रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट कंट्रोल एस। ये इस की को एक को सर्च करके देखते हैं कि अब तक रिजल्ट क्या बना है। यहाँ पे मैंने मुल्तान ना, वैसे हमने नाम दिया हुआ तो नाम ही सर्च करें, यहाँ पे शर्जील SHAR सर्च करते हैं, SHAR तो इसको स्टार्ट भी दिया, NPM स्टार्ट। लेंगे अब इसको हिट करते हैं गेट है। ये देखें उसने शर्जील का ही डाटा मुझे दे दिया, मैंने अलग सिर्फ SHAR लिखा है। आप ऐसा करें इसमें से कोई ऐसे वर्ड ढूंढें जो इकट्ठे आ रहे हैं, AL एक दफ़े, हाँ ये भी आ रहा है, अली में भी और अली में भी, AL सर्च करते हैं AL, सेंड करें देखें, उसने लीम भी ढूंढ दिया और फैसल के अली भी, सेकंड वर्ड मैच कर रहा है AL। नहीं देखें उसकी फिल्टर टेक्निक कितनी बेहतरीन है, वो आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड भी देते हैं तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड को भी ढूंढ देता है। तो ये वाला अगर आपका काम हो गया, अब आपने बाकी पैरामीटर भी ढूंढने हैं, तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ही है, आपने एज ऑब्जेक्ट चारों के पास डाल दें, आपके पास नेम है, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। अब आप जो भी की देंगे ना पैरामीटर में, जो मर्जी की दें वो चारों में ढूंढेगा। अब मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ जी ढूंढते हैं, तो जी रिजवान में आएगा और कहाँ पे आ सकता है, इसी में ही है वैसे, हम और ढूंढ लेते हैं हाँ, ए ढूंढेंगे तो वो सब में ही ऑलमोस्ट आ जाएगा, AD ढूंढ लेते हैं, वो एडमन वाली साइड पे आ जाएगा, मैं चाहता हूँ इस चारों लाइनों में वो ऐसी चीज़ आए। ओ यहाँ पे मिल रहा है ए, तो फिर सब में ही आ रहा है, आर ढूंढ रहे हैं, चले आर ढूंढ के देखते हैं, आर इसमें लाहौर आ गया, इसमें भी लाहौर आ गया, लाहौर लाहौर, ये ले आर, उसने वो वाला डाटा दे दिया, और पाकिस्तान आ रहा है, एम ढूंढेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे, और ये एडमन में ये दोनों भी आ जाएंगे, यानी अब देखें ना क्रॉस डाटा हो जाएगा, ये ऊपर वाले भी आ जाएंगे और नीचे वाले भी आ जाएंगे। मैं एक अगर एक वर्ड ढूंढता हूँ एम, अब देखें वो सारे डाटा जहां जहां वो एम मिलेगा वो सारा डाटा ढूंढ दे, बस यही वाला काम ही आपको चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे API सक्सेसफुली लिख ली है, तो अब आपका सिंपल काम है, इसको आपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करवाना है, ये वाला काम आपका खत्म हो गया। इधर इधर आ जाए क्लाइंट साइड पे, इसको बंद कर दें, हम लिख रहे थे यूजर लिस्ट में बनाया था, हाँ ये देखें सर्च, ये ले ऑन चेंज पे आपने मेथड लिखना है, जैसे कोई चीज चेंज करें तो वो नीचे सर्च करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए मैंने मेथड एक लिख के रख लिया था, ये देखें
मैं वैल्यू की जगह ना इसको की में स्टोर कर लेता हूँ। जो डाटा मुझे मिल रहा है ना, आप बेशक इसको चेक कर लें, आपको की में मिल क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग की, जो भी यूजर टाइप करेगा वो कंसोल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट, ये पुरानी चीजें, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से की हुई है सारी। यहाँ पे अगर मैं ए प्रेस करता हूँ, भी ये देखें जो भी टाइप कर रहा हूँ वो मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिल रहा है। सो अगर ये वाला आपको मिल ही रहा है तो फिर तो आप इसको उठा के एक सिंपल काम करें, एक मैं मेथड लगाता हूँ फैच का, ये लें, बल्कि यहाँ तक ही उठते हैं अभी कॉपी, यहाँ पे इसको मैं फिलहाल उड़ा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने, यहाँ पे राउट आपका आ जाएगा सर्च वाला जो आपने बनाया है, ये वाला राउट। अभी राउट आपके सीधे सीधे हैं, बाद में आप लोकल होस्ट को भी कहीं ना कहीं छुपा के रख देंगे, मतलब इसको हाइड कर देंगे। आपने ये वाली यूआरएल ना यहाँ पे बतानी होती है बैकएंड पे, क्योंकि जब अगर आपने डाटा होस्टिंग पे भेजना होता है तो ये आप अपनी पोर्ट एक्सपोज करके नहीं भेजते, अदरवाइज वो हो सकता है आपका डाटा हैक हो जाए या एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू इसमें अटैक्स हो जाएं। ये भी हम अभी हाइड करेंगे, अभी हम सीधा सीधा एक दफा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएं, ये वाला मेरा सर्च हो गया, ये वाली की अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं, अब होगा क्या, मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा वो मुझे पैरामीटर में चला जाएगा, इवेंट और टारगेट में। मैंने ए टाइप किया तो वो यूआरएल में चला जाएगा। अब अगर यूआरएल में चला गया है तो वहां से निकालना मेरे लिए वैसे आसान हो जाएगा। ये देखें, पैरम से मैंने वो की निकाल लूंगा और उसको अपने डेटा से कंपेयर कर लूंगा। अब कंपेयर कर लेते हैं उसको डेटा से, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाते हैं फंक्शन को, इसको एसिंक अवेट बना दें, चले बना दें एसिंक अवेट, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लें किसी रिजल्ट में, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दें, अवेट रिजल्ट डॉट जेसन। चलो बस आपकी एपीआई लिखी गई। हाँ लेकिन ये है कि क्या ये काम करेगी इस तरह, अभी फिलहाल हम सर्च पे कर क्या रहे हैं ये नहीं हम उसको बता रहे, कि अगर ये वाली की मुझे यूआरएल में मिल जाए, पैरामीटर में मिल जाए, तो आपने करना क्या है, तब करना क्या है हमें। हाँ ठीक है, लिस्ट बनाई हुई है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ रिजल्ट के अंदर कुछ भी मुझे की मिल रही है तो क्या करो, जो सेट यूजर लिस्ट है, देखो ना सेट यूजर लिस्ट के अंदर हमने पहले भी डाटा भेजा हुआ, एक स्टेट बनाई हुई है, उसके अंदर ये वाला रिजल्ट भेज दो, वो स्टेट में डाटा आकर चला जाएगा। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ ये देखो, यार ये क्या कर रहा है, चलो तो इसको देख लेते हैं। जेसन पार्स अनएक्सपेक्टेड करेक्टर एट लाइन नंबर वन कॉलम वन जेसन डाटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी आर, ये देखें आर से रेलेवेंट उसने सारा डाटा मुझे हैंडल करके दे दिया। हाँ मसला ये आ रहा है, देखें जैसे ही मैं उसको करता हूँ बैक, वो ये एक एरर क्रिएट कर देता है हमें इसका एल्स पार्ट भी। अगर मैं जैसे ही बैक करूँ तो जो ओरिजिनल डाटा है, जो ओरिजिनल लोड हो रहा है ये वाला सारा रिकॉर्ड, ये सारा ऑटोमेटिक आ जाए। सबसे तो पहले ना कोई एक ऐसी एंट्रियाँ करते हैं जो सब में मिले मुझे, वर्ड भी मुख्य मिल जाए, मैं कहता हूँ उसको जो है एड्रेस कराची, जो है अली एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम, पासवर्ड एडमिन, एड्रेस में अब नहीं आया। ठीक है, अब एक पासवर्ड में भी अली ले आते हैं हम, और ईमेल में तो आ चुका है, नाम में आ चुका है, पासवर्ड में अली एक और ऐड कर लेते हैं। ठीक है चलो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कामरान और एड्रेस लाहौर, इसके अंदर लिख लेते हैं कामरान
@gmail.com ये लिखा ali@1223। चलो ताकि हमें जरा वेरीफाई हो, मैं लिखता हूँ अली। जो एड्रेस में फील्ड थी उसने देखें यहां से अली उठा लिया, और पासवर्ड में उसको अली यहां से मैच किया, उसने यहां से उठा लिया। यानी चीजों के हम चारों कॉलम्स में सर्च कर रहे हैं, और जो लाइव फिल्टर्स लगते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। वो ये नहीं होता कि आप कोई एक प्रोडक्ट का नाम सर्च करें तो वो सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही देता है। बाद दफा आप प्राइस पे भी फिल्टर लगाते हैं कि मुझे 500 से आप मिनिमम रेंज दे देते हैं और मैक्सिमम रेंज दे देते हैं, वो भी फिल्टर कर सकते हैं आप डाटा। हाँ ये अब मसला आ रहा है, ये जैसे ही आखिरी वर्ड खत्म होता है तो काम खराब हो जाता है। इसका सलूशन क्या है? मैं चाहता हूँ जैसे ही वर्ड सारे रिमूव हों तो ये वाला जो 8 के 8 रिकॉर्ड है ना, ये बाय डिफॉल्ट आ जाए। उसके लिए हमें इसका एक एल्स पार्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इफ एल्स। अब एल्स में क्या करें हम? किसी जगह हम सारी, हाँ चलें मसला ही सॉल्व हो। ये कॉपी पेस्ट, गेट यूजर, ये एपीआई बनी हुई है। गेट यूजर क्या कर रहा था? सारा डाटा ही हम गेट कर रहे हैं ना बेसिकली। देखें एपीआई भी बनी हुई है, लेकिन ये सिंगल रिकॉर्ड कर रहा है। सारा चाहिए मुझे, ये चाहिए गेट यूजर डाटा, यही है। ठीक है गेट यूजर डाटा, ओके। चलें आप देखते हैं कि कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MU। अच्छा M ये क्या कर रहा है? अच्छा उसने सर्च कर दिया, एम प्रेस किया तो उसने कैपिटल एम से उसने दे दिया। अगर मैं स्मॉल लिखता हूँ MU, स्मॉल में नहीं है, और अगर ओ एच लिखता हूँ, ये एरर क्यों आ रही है? इसका भी जरा ढूंढते हैं कोई हल है। ओ एच, सुहेल का ओ एच और जुहेब का ओ एच, अच्छा फिल्टर आपका डाटा हो रहा है, फिल्टर होना स्टार्ट हो गया। ये देखें लाइव सर्च हो रही है, मगर जो भी जैसे जैसे आप चीज करते हैं और जैसे रेज करते हैं वो साथ आपका हो रहा है। यहाँ मसला वो क्रिएट करता है, बजाय इसके कि आपको रेज करें, रेज ना करें तो वो आप यहाँ पे देखें सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एफ ए लिखता हूँ, ए डी लिखता हूँ, जैसे आखिरी की रिमूव होती है ना तब मसला बनता है, अदरवाइज आपका बाकी काम ठीक हो गया सारा। अब इसका क्या करें? चलें फिलहाल यहां तक तो पहले पूछे ना, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अभी पहले ये तो सूट देखे ना, ये सारा पार्ट उठा गए। अगर हम ये वाला काम करते हैं मेरे हिसाब से कि अगर की हो तो डाटा सर्च करो, इफ की तब ही रिकॉर्ड सर्च करो। अगर तो की है तो रिकॉर्ड सर्च कर दो, अदरवाइज एज वाला पार्ट चला दो। अगर की ना हो तो एटलीस्ट मुझे डाटा सारा मिल जाए बगैर एरर के। ओके अब देखते हैं जरा। हाँ एडमन लिखा, ए डी एम लिखा, साथ साथ वो हो रहा है, मैं ओ एच लिख रहा हूँ, वो साथ साथ हो रहा है। हाँ ले सही भी हो गया ये। अब वो की रिमूव भी कर देंगे। अब जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, एस लिखा मैंने तो उसने एस, शर्जील का एस, सुहेल का एच, एक वर्ड उसने एस उठा लिया। देखें अगर मैं खाली डी लिखूंगा तो वो जहाँ डी डी आ जाएगा। अगर मैं खाली है साइन सर्च करता हूँ, ये कौन सी सर्च कर दी मैंने, अच्छा उसको फिर स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमें। ओके
इसको एज ए की तो सर्च नहीं ना कर सकते। अच्छा ये पासवर्ड अभी आपको इधर नजर आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आपने दिखाना थोड़ी है, वो हमने ऐड कर दिया तो मैंने कहा आपको दिखा दे। जब आप डेटाबेस से क्यूरी लगाएंगे ना, तो क्यूरी लगाते हुए ये वाला पासवर्ड यहाँ से गायब कर देना, एक तरीका। दूसरा, आप मैप में से यूआई में दिखाएंगे ना। चलें, अगर आपने आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो एडमिन पैनल आप बना रहे हैं वहां पे एटलीस्ट जो ओनर है कंपनी का वो कहता है जो मेरे पास यूजर है एटलीस्ट मुझे, मैं तो पासवर्ड उनका देख सकूं, फिर आप उसको ये एक्सेस दे दें, सिर्फ एडमिन ही ये पेज एक्सेस कर सके, बाकी जो यूजर हैं वो यहाँ तक पहुंचे ही ना। मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही होगी, ये वाला नैबार ही गायब होगा, ये वाला टैब में से गायब होगा ये वाला पार्ट। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आगे लॉगिन करेगा तो ये वाले पेज की उसको एक्सेस मिल जाएगी, प्रोटेक्टेड राउटिंग करवाइए, प्रोटेक्टेड राउटिंग चलो करके आए कल, अगर उन्होंने नहीं करवाई और खुद भी तो कुछ करे ना। अब आपके पास, चलें ये तो हमारा एक काम बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। अब दो सिनेरियो हैं आज के दिन के लिए, मैंने आपको बताया था ये छोटा सा काम है ये हो गया, और ये काफी ज्यादा आप वेबसाइट्स पे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे सर्च की कोई टेक्निक लगानी है। ई कॉमर्स पे तो ये लगे ही होते हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं या आपको गाड़ियों की वेबसाइट है या कोई बर्गर की वेबसाइट है या कोई लोकेशन सर्च करनी है या कोई बुक सर्च करनी है, ये एक सर्च बार में आप दुनिया जहाँ की जो चीज मर्जी डाल दें यहाँ पे। तरीका ये है कि फिर आपको एपीआई में उसके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके और वैल्यूज बढ़ जाएंगी, वो कौन सा मसला है इसमें। एंड नहीं लगा सकते आप, एंड लगाएंगे तो वो स्पेसिफिक उसी फील्ड को ही सर्च करेगा जिसमें उसका वो करेक्टर मैच करेगा, और में ये है कि किसी भी फील्ड में, और आपको पता ही है एंड और ये वही जावास्क्रिप्ट वाला ही और है। अच्छा जी, अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, एक तो ये चॉइस है कि हम जो ये पासवर्ड डेटाबेस में भेज रहे हैं हम भेजने से पहले इसको हैश कर लें, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो अभी तक हमने सीधा सीधा काम किया है इसको फोल्डर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर के पैटर्न में। ये अभी बिल्कुल सिंपल है हाँ, लेकिन आपकी क्रड फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है। इसमें आगे थोड़ी थोड़ी चीजें एंड एडवांस वो आप करते रहें तो कम से कम 4 से 6 माह लग जाते हैं, और मेरी आज आप क्लासें काउंट कर लें, 13वीं 14वीं क्लास है अभी, टोटल 13 कल हुई है और आज 14 है। मैंने कल आपका रिकॉर्ड निकलवाया डेटाबेस से तो मुझे पता चला आपकी कल के दिन तक 64 क्लासेस हो चुकी हैं। हाँ मुकम्मल जी, आज ये 65 हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो मैं जब अपना कोर्स करवाता हूँ ना 72 क्लासेस मिलती हैं हमें, वो मैं 72 पूरी की पूरी करवाता हूँ। आप मेरे जितने बैच देख लेना, मतलब ये 10 है, ये 2-4 रह गई हैं, और उसमें ना कोई हॉलीडे ना कोई मिसिंग, ये देखो तरतीब से क्लासें चलती हैं मेरी, पूरी की पूरी 60 क्लासों का रिकॉर्ड है मेरे पास, 68 क्लासों का, यानी मैंने पढ़ाई है। इसके अलावा 11 में चल रहा है, इकबाल टाउन में चल रहा है बैच, वो भी आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, ये देख 2 रह गई। ये 70-72 मैंने क्लासेस पढ़ाई है, मतलब ये थोड़ा कि मैंने गूगल से डाटा उठा उठा के फेंका हुआ है, अच्छा ये पढ़ाई हुई है मैंने इसमें काफी। ये देखे ना, ये वाला आपको टास्क मैं कह रहा हूँ, बिक्रिप्ट, ये एंड पे उनको करवाया था, उन्होंने कहा था सर हम जरा अपने तरीके से करवाना चाहते हैं, फिर रिडक्स 3-4 तरीकों से करवा दिया, एक सिंपल रिड, हाँ रिडक्स की ऑप्शन भी है आपके पास अभी। पहले रिडक्स को आप देखें, रिडक्स से आप मुझसे एक काम करवा सकते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, या मुझसे क्रड ऑपरेशन करवा सकते हैं या आप ऐड टू कार्ड वाली पूरी फंक्शनैलिटी करवा लें, और उसमें भी आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक रिडक्स में सिंपल करवा दूंगा और एक रिडक्स विद मिडल वेयर हो जाएगा, ये एक सिनेरियो अलग है। यानी रिडक्स असल आप देखें ना, रिडक्स के अंदर काफी गुंजल है, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे रिडक्स मिलेगा वो ज्यादातर मिलेगा रिडक्स काउंटर एग्जाम्पल के साथ, 1-2% ही हो सकता है किसी ने मेहनत की हो शॉपिंग कार्ड पे।
अदरवाइज हम जो यू स्टेट से काम करते हैं ना, सेट काउंटर इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, वो पूरे रिडक्स में इम्प्लीमेंट ये करते हैं, तो इतना बड़ा रिडक्स बनाने का फायदा है वो तो हम सिंगल एक फिर यू स्टेट से भी कर सकते हैं। हाँ, इसको आपको मैं आपको करवा दूंगा इसकी जगह शॉपिंग कार्ट। अभी कोर रिडक्स है, ये है कोर रिडक्स। इसके बाद जब ये आपका चल रहा है क्लाइंट साइड पे फेक एपीआई के साथ, फेक एपीआई क्लाइंट साइड, जब आपकी आएगी रियल एपीआई सर्वर साइड, तब आपको एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी। फिर हो जाएगा रिडक्स या विद आप सागा कर लें, या रिडक्स विद थंग कर लें, या रिडक्स विद मोबेक्स कर लें, या रिडक्स विद फ्लक्स कर लें। ये जो राइट साइड पे चीजें लिखी हुई है ना, ये एपीआई से जब डाटा लेके आना है ना, रियल एपीआई से, तो एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है। मिडलवेयर की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। रिडक्स का काम तो वही है ना जो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ये दो लेवल है आपके पास, एक ये चॉइस है, यानी एक फ्लो ये है चॉइस का। सेकंड फ्लो आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ये वाला काम पढ़ें और इसको इग्नोर कर दें, यहाँ पे आप फेके पे क्लाइंट साइड नहीं, फिर आप सर्वर साइड पे आ जाए, मर्न पूरा कर लें, यहाँ पे फिर रिडक्स टूल किट कर लें। यानी इसमें आप या लगा सकते हैं, या ये करना पड़ेगा आपको या ये कर लें, क्योंकि वैसे मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं तो एटलीस्ट मुझे 6 क्लासें चाहिए, तो आपके पास टोटल क्लासें कुछ 6-7 बची हैं, तो फिर रिडक्स होगा और कहानी खत्म। हाँ, लिहाजा आप एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है, या ये वाला कर लें। ये जेन्युइन तरीका है, मतलब आपको मैं सही सिखाऊंगा कि रिडक्स एक्चुअल में होता क्या है। शॉर्टकट तो आप बाद में भी सीख सकते हैं। मैं पहले कोर रिडक्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, 1 दिन 2 घंटे में तो मैंने सिर्फ आपको लेक्चर ही देना है रिडक्स पे, मतलब थ्योरी। जब तक आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं ना आएंगे, वो फिर रिडक्स को रट्टा लगाने वाली बात है। रिडक्स का पूरा फ्लो समझाऊंगा लाइव आपको, इधर नेट से डाटा लेके रिडक्स में एक्शन में कैसे चीज जाती है, रिड्यूसर में इसके साथ क्या होता है, स्टोर में जाने से पहले पहले उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, जब स्टोर में चला जाता है डाटा तो बाकी कंपोनेंट में आपने एक्सेस कैसे करना है, यूआई में डाटा कैसे लेके आना है, डिफरेंट कंपोनेंट के दरमियान डाटा कैसे शेयर करना है, वो कोर रिडक्स में ही आपको समझ आएगी। ये चॉइस है, एक तो ये पैटर्न है, ये आपने करना ही करना है, ये एंड पे रख लें, या अभी कहते हैं तो मैं अभी रिडक्स स्टार्ट करा देता हूँ, थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी आज के दिन। एक ये आपने करना है, मतलब मैं जो टॉपिक आपके माइंड में मेरे हैं। दूसरा आज फोल्डर स्ट्रक्चर कर लें, जो आपने अब तक डेटा पढ़ा है, जो अब ये एपीआई आप पढ़ चुके हैं, इन्हें ऐसे ना रखें, इसका ये असल फ्लो ये होता है। आप मॉडल का फोल्डर अलग बनाएं, राउटर्स का अलग बनाएं, कंट्रोलर्स का अलग बनाएं, हेल्पर्स का अलग बनाएं। हेल्पर बंद तो नहीं किया पहले, मल्टर का अलग बनाएं और मिडलवेयर का अलग बनाएं। आप जितने मर्जी आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी देख लेंगे ना, तो 98% आपको ये चीजें मिलेंगी एक्चुअल में, 98%। हो सकता है क्योंकि हर बंदे में उसके अंदर, हो सकता है किसी ने कोई वीडियो चैट ऐप इंटीग्रेशन की हो, या उसने कोई गेमिंग की कोई नई चीज ऐड कर दी हो, या Web 3.0 की कोई फीचर ऐड कर दी हो, उसके लिए एक नया फोल्डर बन जाएगा। अदरवाइज ये फोल्डर लाजमो मलजूम है मॉडल्स में, जो आपने यूजर का यहाँ पे मॉडल बनाया ना, ये फिर यहाँ नहीं बनेगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। जो आप ये वाला काम कर रहे हैं ना, ये एपीआई बना रहे हैं, ये इसका एक पार्ट नहीं है ये वाला, आप इसको, ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ये वाले इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये वाला आपका हो जाता है राउटर, इसको हम बना देते हैं राउटर, ये राउटर बन जाता है ये।
और जो ये वाला पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये आपको कंट्रोलर बन जाता है। ये कंट्रोलर है, लेकिन अब अलग अलग फोल्डर में होंगे। कोड इसकी बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए मैंने पहले सीधा सीधा बता दिया। अब आपको प्रोसेस की समझ आ गई है कि यार डाटा स्टोर कैसे करना है, निकालना कैसे, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे। अब इन्हीं चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप फोल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर क्या, आज आज की ऑप्शन ये है, इसमें पूछ सकते हैं आप टू डेज नेक्स्ट एजेंडा, टाइम है तो इसमें अभी मुझे बता दें। और या पासवर्ड को बीक्रिप्ट कर, बीक्रिप्ट पासवर्ड, या इमेज के पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। इमेज इसके लिए मल्टर लाइब्रेरी की जरूरत है, JWT आज स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम शॉर्ट है। JWT टोकन ऑथेंटिकेशन है, इसके लिए हमें 3 लेक्चर्स चाहिए पूरे JWT। हाँ, एक हफ्ता यानी पूरा वीक, 3 क्लासें लगेगी। वो मैं स्क्रैच से स्टार्ट कराऊंगा, वो ये वाला काम नहीं करेंगे। मैं रनिंग प्रोजेक्ट पे कराऊंगा ना तो आपको समझ ही नहीं आनी। वो बिल्कुल ही हम NPM इनिट करके 0 से एप्लीकेशन बनाएंगे, लाइव जितनी कोडिंग होगी स्टेप बाय स्टेप, मल्टर JWT का कौन सा पार्ट होता है और इसमें कहाँ से आपकी जो टोकन कैसे बनते हैं, उसका सीक्रेट की कैसे बनती है, उसको टोकन असाइन कैसे होते हैं, अगर आपने किसी को एक्सेस दे, इसकी बेस पे आपको टोटल दुनिया में जितनी एक्सेस दी जाती है ना, कि एडमिन कौन सी चीजें कर सकता है, यूजर कौन सी चीजें कर सकता है, आप अलग में उसकी एग्जांपल ब्रेन में रखें। टीचर क्या कर सकता है, उसके राइट्स अलग हैं, स्टूडेंट्स के राइट्स अलग हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के राइट्स अलग हैं, सेल के अलग हैं, HR के अलग हैं, वो राइट्स आप यहाँ पे देंगे। ये थोड़ी चीजें आपको कम अज कम 1 महीना चाहिए मिनिमम इन 3 टॉपिक्स के लिए, इनके लिए 1 महीना चाहिए पूरा। हाँ जी, जो जरूरी चीजें हैं वो करवा दें, जो हमारे काम आने वाली है, ये ना हो गया आगे जाकर काम तो पहले ही, फिर क्रेडिट को एटलीस्ट फिंगर टिप से पहले तो वो करें ना। ठीक है सर जी, आपको बेहतर पता, इतना तजर्बा आपको है। चलो, मैंने तजर्बा अपने हिसाब से रखा है, आपका तजर्बा अपना होगा। तो वो चीजें सर जी सर करवा दें, आप क्लासें आप कह रहे हैं थोड़ी रह गई, क्या कर सकते हैं देते नहीं एक दो क्लासेस वगैरह कोई कार, तो वो एक दो क्लासों में ये है कि हम एक आध टॉपिक कर लेंगे भाई रीडक्स। अच्छा, इसके भी फिर ऑप्शन है क्या, देखें आप पहले डिसाइड खुद कर लेना कि क्या हमें रीडक्स क्लाइंट साइड पे आपने पढ़ना है, ऐड टू शॉपिंग कार्ड वाली ऑप्शन पढ़नी है, मतलब आप ऐड टू कार्ड करें, कार्ड में जाए उसका टोटल बिल बने और उस बिल के बाद अगला आपका प्रोसेस हो कम्प्लीट, एक तो ये ऑप्शन है। ये साथी जो आपने बताया ना वो क्रेडिट ऑपरेशन वाला, हाँ जी, दोनों ऑप्शन चलती हैं अभी, क्योंकि अगर आपने ई कॉमर्स पे जाना है तो आपको एक पूरा फ्लो, उसमें फिर ये एक आपको नई ऑप्शन मिल जाएगी पेमेंट मेथड। अगर क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में पेमेंट मेथड नहीं आते, स्ट्राइप का पेमेंट मेथड, हाँ यहाँ पे आपके स्ट्राइप के पेमेंट मेथड आ जाते हैं, स्ट्राइप पेमेंट मेथड। उसके अलावा ऑडियो वीडियो चैट ऐप इंटीग्रेशन और लाइव चैट, यानी लोग आपसे चैट करें और आप जवाब भी देंगे, ये एप्लीकेशन में होती है, लाइव स्ट्रीमिंग, वेब 3.0 के कुछ टॉपिक्स हैं, फिर आप यानी कह सकते हैं तकरीबन आप 80% जो है ना एक मिड लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपने बैकएंड सीख लिया। हाँ जी, रीडक्स शुरू करना है या पासवर्ड को हैश करें या फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, मेरे लिए कोई दोनों में कोई इशू नहीं। हाँ जी, बाकी भी वोट दें या अभी आपके कार्ड नहीं बने। रीडेक्स करना है आज के दिन तक आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें आप फोल्डर स्ट्रक्चर का लेवल के या रीडेक्स कर लें, क्योंकि अब डाटा आ गया ना आपका, तो डाटा को हम UI पे भी लेके आ सकते हैं थ्रू रीडेक्स, अभी हमने वो API से लेके आए हैं तो ये हम रीडेक्स से भी लेके आ सकते हैं।
हाँ उसके अगेंस्ट दूसरी ऑप्शन मैंने बताई, या आप शॉपिंग कार्ड वाली पूरी ऑप्शन कर सकते हैं, आप ऐड टू कार्ड के पे क्लिक करें, वो शॉपिंग कार्ड में ऐड हो, उसके बाद वो शॉपिंग कार्ड की डिटेल आए, उसके बाद वो फिर जब आप जितनी प्रोडक्ट्स प्लस माइनस करें उनकी एक समरी बन जाए टोटल, समरी के बाद जब आप चेकआउट करें तो मैं आगे पेमेंट मेथड भी करवा देता हूँ उसमें। स्ट्राइप पेमेंट मेथड चलता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ब्रेन ट्री चलता है, पेपाल यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, और वहाँ पे और बड़े मसले मसाइल हैं, ई कॉमर्स में ज़्यादा स्ट्राइप ही चलता है, इसकी इंटीग्रेशन आसान है और सिक्योर है। नहीं आपकी इस एज में अभी कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं हुई, अच्छा 17-18 साल में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध फतह कर लिया था, वो मैंने ना वो मेरी एक नया नया बैच आया उस इकबाल टाउन में, तो मैं क्या मैंने यही सेम कहा, मैं कहा यार 17-18 साल में उसने बाबुल इस्लाम उसको हम कहते हैं जहाँ से हमारे यहाँ उस सिंध से वो एंटर हुआ था, तो वो कहता सर उसने इसलिए फतह किया था उसके पास घोड़े थे, हमारे पास घोड़े नहीं, ये नहीं उन्होंने उसके अंदर भी लॉजिक बना दी, वो जोक सुना ना लॉजिक पे, यानी कि नहीं मैं बादशाह वाला आपको नहीं जोक सुनाया, चले कोडिंग तो करते ही रहते हैं, कोडिंग में जरा फन भी होना चाहिए। एक बादशाह था बेचारा, वो बूढ़ा हो गया, जंगल का बादशाह शेर को कहते हैं, तो शेर साहब बूढ़े हो गए, तो उसने कहा यार अब मतलब मैं चल नहीं सकता, तो मैं किसी को ना निगरान वजीर आजम लगा, लेकिन ये उसने काफी सोच विचार के बाद सोचा कि निगरान वजीर आजम किसी ऐसे शख्स को लगाएं जो मेरे कंट्रोल में रहे, मतलब मैं उसको जो इशारा करूँ, यानी समझ लो उस्मान बुज़दार की तरह या गिलानी की तरह, जरदारी ने जैसे डमी लगाए हुए थे, पीछे से असल डायरेक्शन वो देते थे और वो आगे उसके मुताबिक ही साइन कर देते। बड़ा उसने दिमाग लड़ाया जनाब, उसकी पूरा अंदाजी में गधे का नाम आया, उसने कहा इसका ना दिमाग है, इसको मैं जैसे कहूंगा ये वैसे ही कर देगा। लो जी सारी पंचायत पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया, तो उसने डिक्लेयर अनाउंसमेंट कर दी, उसने कहा जनाब आपसे मेरा वजीर मुशीर ये है, आपने इसी का कहा मानना है, इसी की बात सुननी है, मतलब ये दिन कहे तो दिन है, शाम कहे तो शाम है, और अगर कोई मसला आया तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं आपको सजा दूंगा। रूल लगा दिया, कानून लिखे गए, लो जी गधा बड़ा खुश। अब आपको पता है एक और भी मसला होता है, किसी गरीब बंदे को या किसी ऐसे बंदे को अगर अख्तियारात मिल जाए तो उसका हाल क्या होता है, सेम वैसे ही गधे के साथ हुआ, जैसे इसको अख्तियारात मिले तो वो आपे से बाहर होना स्टार्ट हुआ, कैसे उसने कहा अब फौरन ही घर जाके बजाय इसके कि वो घर वालों के साथ बैठ के खाना खाए सेलिब्रेट करता, उसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी जिन जिन लोगों से बदले लेने, उसने कहा अब तो मेरे पास अख्तियार है, जिन लोगों ने मुझे तंग किया है अब उनकी खैर नहीं, तो वो लिस्ट बनाता गया, हाथी का नाम, शेर का नाम, बकरी का नाम, सबसे जनाब उसको जब उसने सॉर्ट असेंडिंग किया, यानी ए से बी की तरफ जी की तरफ उसने सॉर्टिंग की, तो खरगोश का नाम पहले आया, उसने कहा यार जब भी मैं गुजरता हूँ ना ये मुझे टॉन्ट करता है, अब इसकी ऐसी की तैसी, अब मैं देखता हूँ इसको। अब उसने हिसाब लगाया, उसको पता था खरगोश बेचारा अपने जरिया मुआश के लिए जंगल के ना चौक से गुजर के जाता था आगे, अपना दाना दूंगा जो भी इकट्ठा करने के लिए, तो वो सुबह सुबह ना खरगोश से पहले चौक में जाके खड़ा हो गया, खरगोश जैसे ही आया उसने उसको बुलाया, उसने कहा इधर आओ, वो आया खरगोश बेचारा मसूमे से, अब उसको पता था ये वजीर बन चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो गया उसने कहा जी माई लॉर्ड, उसने रॉकेट ठाच पे डबा दी बगैर ना कोई वजह ना कोई लेनी ना देनी, उसने कहा जनाब मुझे क्यों मारा है, उसने कहा बेवकूफ तुम देख नहीं रहे गर्मी का मौसम है, तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी हुई, इसका नुकसान हो सकता है, मतलब देखो कल को आपको बुखार हो जाए तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के खर्चे लगेंगे, पहले ही गवर्नमेंट के पास बजट कोई नहीं है, तो भुगतना तो मेरी गवर्नमेंट में ही है ना, तुम तनबीह है कि आप सर पे टोपी रखो ताकि आपको धूप ना लगे, उसने कहा जनाब मैं टोपी नहीं पहन सकता मेरे कानों का मसला है, उन्होंने कहा चलो निकल जाओ मेरी नजरों से दफा हो जाओ, आइंदा एहतियात करना, वो बेचारा उसको पता था कर भी क्या सकता है, अब देखो ना वजीर जो मर्जी करे क्या कर सकते हैं नीचे वाले लोग। अच्छा खैर वो दिल ही दिल में गधा बड़ा खुश हुआ, कहा यार बड़ा मजा आया, मारा भी है, पूछा भी कोई नहीं,
इतना ये मजे तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। उसने कहा ठीक, वो अगले दिन फिर ऐसे ही किया उसने, फिर चौक में खड़ा हो गया। और खरगोश की बेचारे को क्या बिला को पता कि मेरे साथ अब ऐसा होने लगा। फिर वो फिर चौक में खड़ा, वो वैसे ही रूटीन में अपनी जॉब पे जा रहा है, उसको फिर बुला लिया। उसने कहा इधर आ, फिर आया उसने ठाच पे। उसने कहा अब मुझे क्यों मारा है भाई, मेरा क्या गुनाह है? वो कहता मैंने तुम्हें कल भी तंबीह की थी कि तुमने टोपी पहन के रखनी है, गर्मी का मौसम है, तो फिर तुम वही हरकत कर रहे हो। अब खरगोश बेचारा क्या करे, उसको उजर उसने दिया। खरगोश आपने देखे हैं? हाँ। तो उसने कहा सर मेरे कान लंबे हैं तो मैं टोपी नहीं पहन सकता, वो टोपी सर पे टिकेगी नहीं, गिर जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा ये टेक्निकली मैं टोपी नहीं पहन सकता। उसने कहा चलो निकल जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। अब 2 दिन 3 दिन और कुछ 4-5 दिन, जब वो खरगोश की दुर्गत टोटल बन गई ना, जब उसका हाल बुरा होना शुरू हुआ, उसने कहा मेरे पास कोई चारा नहीं बचता, वो ओरिजिनल बादशाह के पास शिकायत लगाने के लिए चला गया। अब वो आपको ये आइडिया होगा कि जब वजीर मशीर मुलाकातें करते हैं तो जिसके खिलाफ आप कंप्लेन लेके जाते हैं ना, वो पहली चैम्बर में बैठे होते हैं। और मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ काफी अरसा। अब वो बादशाह के पास शिकायत लेके गया तो गधा पहले ही उसके पर्सनल चैम्बर में बैठा हुआ था पीछे। अब उसने कहा मैं देखता हूँ ये करता क्या शिकायत, फिर मैं कल इसको उसी हिसाब से निपटूंगा। वो गधा पीछे बैठा सुन रहा है। खरगोश ने अपनी बेचारे ने सारी राम कहानी सुनाई कि जनाब मेरे साथ फलां दिन से लेके अब तक रोज ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपको इंसान का बच्चा वजीर लगाएं ताकि हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। अच्छा खरगोश को इस बात का पता था कि गधा भी अंदर बैठा हुआ है, वो भी सारी कहानी सुन रहा है। लो जी वो अपना सारा दुख दर्द सुना के बादशाह को, शेर को, बाहर आ गया और दरवाजे के पीछे छुप गया। उसने कहा मैं देखता हूँ ये क्या प्लान बनाते हैं, यानी गधा और बादशाह मेरे खिलाफ क्या साजिश रचते हैं। लो जी वो साइड पे आके छुप गया। बादशाह ने उसको बुलाया गधे को अंदर से। उसने कहा बेवकूफ इधर आओ। उसने कहा जब किसी को आपने सजा देनी हो ना तो मुझे कोई इतराज नहीं, आपका जो दिल करे जिसको मर्जी मारो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई ना कोई बेस बनाओ, कोई ना कोई लॉजिक बनाओ मारने के लिए, ताकि उसको तकलीफ ना हो, आप बगैर ही लॉजिक के मारी जा रहे हो। वो था गधा, वो कहता जनाब मुझे समझ नहीं आई, मुझे आसान लफ्ज आसान शब्दों में समझाएं, मैं क्या बेस बनाऊं। उसने कहा जनाब मिसाल के तौर पे आप उसको कहो यार आज मेरा दिल कर रहा है समोसे खाने को, उसको समोसे लेने भेजो, वो समोसे लेके आएगा। आप देखो अगर वो समोसे लेके आया तो क्या वो साथ चटनी लेके आया, अगर नहीं लेके आया तो आप 2 चपेट स्पून से लगा सकते हो, बेस मिल गई आपको कि भाई समोसे के साथ चटनी भी होनी चाहिए। उसने कहा जनाब ये चलो ये तो बात थोड़ी सी समझ को आती है। अच्छा उसने कहा अगर फर्ज करें वो चटनी ले आए, वो कहता आप इसमें भी तहजीब ढूंढ सकते हो क्या? उसने कहा देखें अगर वो हो सकता है तो दही वाली चटनी ले आया हो तो आप उसको स्कून से फिर चपेट लगा सकते हो, उसको कहो मैं जनाब इमली वाली का भी शौकीन हूँ, आप इमली वाली खाद क्यों नहीं लेके आए, यानी आपके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पहले लॉजिक बनाओ। अब वो खरगोश सारी कहानी सुनता जा, अब खरगोश भी सारा मामला समझ गया था, उसको पता था कि अब मेरे साथ कल ऐसे ही होना। लो जी बादशाह ने अपनी पट्टी बढ़ा दी और खरगोश ने भी सारी वारदात सुन ली। अगले दिन हसबे मामूल वो तो फिर अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। और जा अब चौक में जैसे ही पहुंच, उसको पता था आज मुझे ऑर्डर मिलना है समोसों का। उसने कहा इधर आ, आया जनाब। उसने कहा बताया, उसने कहा जो मेरे लिए समोसे लेके आओ, यानी अधूरा ऑर्डर दिया जानबूझ के, पूरा ऑर्डर नहीं दिया कि हाँ चटनी लानी है ये नहीं लानी। अब खरगोश को पता था कि मैं अगर चटनी ना लेके गया तो मेरे साथ हादसा होने वाला। वो सुकून से बाजार में गया, समोसे पैक कराए, उसने दही वाली भी चटनी ले ली, इमली वाली भी ले ली, आलू बुखारे वाली जितनी भी थी ना सारी चटनियां पैक करवा ली। उसने कहा मैंने कोई लॉजिक नहीं तोड़ी। अब वापस आया, उसने जनाब शॉपर गधे को दे दिया। अब गधे ने देखा समोसे पूरे हैं, दही वाली चटनी भी है, इमली वाली भी है, आलू बुखारे वाली भी है। उसने शॉपर साइड पे रखा और फिर उसने कहा जनाब अब मुझे क्यों मारा है, अब मुझे ये बताया अब क्या मसला है। वो कहने क्या छाड़ तू टोपी क्यों नहीं पाई मॉरल ऑफ द स्टोरी।
मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब बॉस डिसाइड कर ले ना, व्हेन द बॉस डिसाइडेड टू पनिश यू ही विल पनिश यू इन ईदर सिचुएशन। लॉजिक कुछ भी हो, जब गवर्नमेंट ने आप पे कोई ऐसा जुल्म ठाना है ना, तो आप टोपी पहने ना पहने आपके साथ ये हालात होते रहने, और ये रियल है। मगर अब देखे ना, कोई लॉजिक हो ना हो, तो अगर बॉस ने सोच लिया आपने काम गलत किया है, आपने चाहे जितना मर्जी फॉन्ट अच्छा रखा हो, वो घर में लड़के आया तो वो गुस्सा आप पे निकलना है। चलो जी, अब इसको जनाब, हाँ जी, क्या डिसाइड किया है? तुझे हल्का टोपी पा गया, टोपी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इसने तो पहनी, ये तो बच्चे तो हो गए, नहीं तो गार्ड ने पकड़ लेना मेरे रास्ते में। अच्छा जी, फोल्डर स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर लें एक दफा, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। रीडर्स पे मैं कल आपको लेक्चर दे दूंगा। अब जो आपका है, देखें ये वाली मैं एक फाइल ना साइड पे रख देता हूँ, ताकि आपका फाइलें आपस में मिक्सअप ना हो। इसकी एक अलग फाइल बना लेते हैं, सर्वर को किल करके टीएलएस, और इसको एग्जिट कर दें अभी के लिए। बैकएंड है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आ जाएं। फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर फ्रंट एंड पे यही रहेगा। अब थोड़ा सा चीजों को ना जरा प्रोसेस वाइज आहिस्ता आहिस्ता इनको सिक्योर भी करते हैं। लें जी, इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एन कोड करके ओपन, TLS NPM स्टार्ट। इधर बहुत ज्यादा ठंड है, आपको हवा लग रही है, इधर इन्होंने 10 पे किया हुआ है। वैसे मुझे लगता है शाम तक दिमाग जाम हो जाएगा। ये मैच सारा तकरीबन ना 6 से 8 भी लेक्चर यहाँ पे होता है, फिर 8 से 10 होता है। वो नीचे खड़े होते हैं ना यहाँ पे, ये डाइस मैंने वो साइड पे रखा है, वो इधर से ना ये डायरेक्ट आती है, यहाँ पे डायरेक्ट एसी लगे हुए हैं। चले अल्लाह ही पूछेगा इनको। हाँ नहीं, मैं वो दूसरी रखी हुई ना, जसूसी वाली टोपी पहनते, जसूसी वाली वो रखी थी, तो वो छोटे भाई वो उड़ा के ले गया। वो कहता है लाहौर में गर्मी नहीं है, उधर ज्यादा गर्मी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये हमने किया क्या हुआ। चलो, कोड को किसी हद तक तो हम एक साइड पे ले गए। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, यहाँ पे ये वाला काम आपका अब नहीं चलना, ये वाला काम अब आपका ऐसे नहीं चलेगा। इसी को फोल्डर स्ट्रक्चर में कर दूं कन्वर्ट, या फोल्डर स्ट्रक्चर 0 से करवा दो। हाँ, अब देखें, इसको बेहतर है हम इसको ना उड़ा देते हैं सबको, क्योंकि वो फोल्डर स्ट्रक्चर में आप मिक्सअप ना हो जाए। अभी हम बैकएंड पे ही हैं, तो इसको भी वैसे उड़ा ही दें, इसकी जरूरत नहीं है। बैकएंड भी हमें आ जाए, फोल्डर स्ट्रक्चर में काफी टाइम लग रहा है। अच्छा, काम वही होगा, एपीआई वही रहेंगी, सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर का एक दफा पैटर्न देख लें आप। TLS एग्जिट करने, इसको भी मैं कहता हूँ मेरा जगह बन जाए एक दफा, इसको भी बंद कर दें। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है नेक्स्ट वीक जब आए, रीडक्स पढ़ के आए, ठीक है? बीक्रिप्शन तो मैंने एक दो दिनों में, पासवर्ड हैशिंग जब फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा ना, तो ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि इसमें इमेज का पार्ट भी ऐड कर लें। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। यहाँ पे अब आपने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, हमने डायरेक्ट ओपन कर लिया, हमें चाहिए था कि सारा यहाँ पे सीएमडी के थ्रू ओपन करें। सीएलएस इधर ही पहले एनपीएम वो बनाते जाते हैं चीजें, एनपीएम इनिट हाइफन वाई, ठीक है? इसका मसला तो नहीं, आप वो बन चुका होगा, आप देखें यहाँ पे फाइल इसकी बन गई। अब एनपीएम आई एक्सप्रेस, ये आपको चाहिए चाहिए,
एनपीएम आई नोड मॉन चाहिए। अच्छा आप चाहें तो ये सारी कमांड एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब देखिए मैं दो चार का ठीक भी लिख देता हूँ, एनपीएम आई मोंगूज भी आपको चाहिए, उसके अलावा कलर्स भी चाहिए, मॉर्गन भी अब आ जाएगी एक नई चीज़, डॉट ई एन वी भी चाहिए, बीक्रिप्ट भी चाहिए, जेसन वेब टोकन भी चाहिए, जेसन वेब टोकन, मोंगूज कलर्स, मल्टर भी चाहिए। सारी मैं बता देता हूँ, कलर्स का आपको पता ही पता है। मॉर्गन ये है, जब आप रिक्वेस्ट हिट करते हैं ना, अब आपने एक दो दिन में ये कोड की, मैंने शायद आपको पहले भी कहा हो या नहीं, कोड की प्रैक्टिस करें, जो स्टेटस कोड होते हैं, स्टेटस कोड ये आप देख लें कि 200 का मतलब क्या होता है, 201 का क्या मतलब है, 400 का क्या मतलब है, क्योंकि अब ये कोड्स हमने यूज करने हैं। इन कोड्स की मदद से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट के साथ हो क्या रहा है। अगर 200 है तो ओके, अगर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो 201 है, 404 है पेज नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, सर्वर एरर, ये को 8-10 कोड हैं, ये अब आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इनको एक दफ़ा देख लें तकरीबन आपको कुछ तो याद हो ही जाएंगे। 200 का मतलब ओके है, 500 का मतलब सर्वर एरर, 404 का मतलब पेज एरर, ये तीन तो वैसे ही आपको पता है, और 400 का मतलब है बैड रिक्वेस्ट होती है, ये चार आप याद कर लें। बाकी आप जैसे जैसे यूज करेंगे ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इन 2 दिनों में आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि मैं स्टेटस कोड की मदद से फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर अब रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। आपको पता होना चाहिए ये मॉर्गन यही काम करती है कि जब आप रिक्वेस्ट हिट करेंगे ना, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद देता है कि आपकी रिक्वेस्ट हिट कौन सी हो रही है इस वक्त। मतलब बैकएंड पे डीबगिंग काफी टफ होती है, मतलब एरर आ जाए ना, बाद ऑफ एरर ढूंढी नहीं जाती, और कौन सी पेज में आई है, किस फाइल में आई है, कोई पता नहीं चलता। कुछ लॉजिकल एरर ऐसी होती हैं जिनको आप ना यूआई पे ना कंसोल पे किसी भी जगह नहीं ढूंढ सकते, ये बैकएंड पे रहते हुए आपको डीबगिंग में आसानी देता है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी एरर प्लस डीबगिंग दोनों को कंट्रोल करेगा। हाँ इसमें एक कैच ये है कि ये रहेगा सिर्फ डेवलपमेंट लेवल तक, जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर लाइव नहीं हुई उस दौरान आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड। डेवलपमेंट मोड में जब आपकी एप्लीकेशन अभी चल रही है, जी सर, जी सर, कौन से वो शबीर और एतजाज सर, वो लापता है। हाँ सर वो कोलंबो गए थे, वापस नहीं आए। हाँ मैच देखने गए थे, उधर ही बारिश हुई है, मेरा लोग उधर ही कहीं रुके हैं, वो काफी देर से पिछले महीने से उन्होंने टिकटें चढ़ा ली थी। नहीं सर जी वो आपको पता है लापता है। हाँ कुछ वो पुराने से ही थे, ये भी कहते हैं वो चंगा मंगा के जंगलों में गए थे, कुछ जराए ये कहते हैं वो अफ्रीका चले गए, मतलब मुख्तलिफ क्या सराई हैं, लेकिन वो अभी तक 2 महीनों से लापता है। बस यही करना पड़ेगा, मसूद साहब को करें, उनके अब्बू हैं। यार ये वैसे आप क्लास वाले हैं किधर है, नहीं तो वो उनको पहले नहीं पता आगे डूब गई है, या वो उनका शौक चढ़ा हो। हाँ वो या वो उनको शौक चढ़ा हो, जिनान वाली कश्ती खाली है उसमें जूठे ले लें, ले लें उधर चले गए, वो भी खाली पड़ी है। कई पाकिस्तानी कहते हैं यार आधा किराया दे के उसमें चले जाते हैं। अच्छा जी डॉट ई एन वी फाइल का आपने देख लिया, जब आपने अपनी पोर्ट को सिक्योर करना है तो आप डॉट ई एन वी हमने कर भी लिया। बी क्रिप्ट होती है जब आपने पासवर्ड को हैश करना हो, आपको इसे एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, अजीबो गरीब सी की बना दें ताकि इसे डीकोड ना किया जा सके, और ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन में यही होता है। जेसन वेब टोकन का काम होता है ये, अब ताकि दुनिया की सबसे सिक्योर ऑथेंटिकेशन है। जब देखें आप बगैर फेसबुक में लॉग इन हुए, क्या आप पोस्ट लाइक कर सकते हैं? नहीं, ना को पोस्ट अपडेट कर सकते हैं, ना को कमेंट्स कर सकते हैं, जब तक आप लॉग इन नहीं होते। जब आप लॉग इन होते हैं तो सारे काम करते हैं, लॉग इन होने के बाद
फेसबुक की टीम आपको एक टोकन दे देती है, तो ये टोकन पकड़े, अब आप एंटर हो सकते हैं फलां फलां जगह पे। उस टोकन के साथ आपको एक्सेस दी जाती है कि अगर आपके पास ये टोकन मौजूद है तो आप ये काम कर सकते हैं। टीचर को अलग टोकन दिया जाता है, स्टूडेंट को अलग है, एडमिन का टोकन अलग है, यूजर का अलग है, गेस्ट का अलग है। उस टोकन की बिना पे हम उनको ऑथोराइजेशन देते हैं। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन दो अलग अलग डिफरेंट। हाँ जी, क्या वैसे फर्क है इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन? हमने कभी वैसे इस तरह गौर नहीं किया, हम यही समझे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक ही चीज है। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक दो अलग अलग चीजें हैं। ऑथेंटिकेशन से मुराद है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वैलिड यूजर हैं, जो साइन अप हो चुके हैं, जिनका अकाउंट उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे बना हुआ है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होते हैं। ऑथोराइजेशन से मुराद है कि उसको कितनी ऑथोराइजेशन दी है। मतलब मैं एक ई कॉमर्स का डैशबोर्ड बनाता हूँ, हो सकता है मैं ऑनर हूँ, मेरे पास फुल राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट मैंने एक डेटा एंट्री रखा हुआ है, जो मेरा नया स्टॉक आता है उसका सिर्फ इतना काम है डैशबोर्ड में जाए, एंट्री करे, वो यूआई पे हम आगे मैप लगा के शो करवा देते हैं। उसका काम सिर्फ इतना है कि एंट्रियां ऐड करे, उसको डिलीट करने की भी इजाजत नहीं है, वो अकाउंट्स को भी छेड़ नहीं सकता। ये उसकी ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मीन पावर्स देना, किसको ऑथराइज करना, किस लेवल तक, मैंने इसको इतना ऑथराइज कर दिया। ये दोनों में डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप वहां पे ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, क्या वहां पे आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। हाँ, अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आपके पास पावर्स कितनी है, ये उसका नेक्स्ट लेवल है। सो ये दोनों में कंफ्यूज ना हो, बाद ऑफ इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। हम सिंपल ही समझ रहे हैं ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये हम जेसन वेब टोकन से करेंगे। और मल्टर का क्या काम है? अभी इमेजेस अपलोड करना मोंगो डीबी में और नोड में सबसे डिफिकल्ट काम है। पीएचपी वगैरह में सीधा सीधा है, लारावेल में बिल्कुल ही सिंपल है। वही आप डेटाबेस में सिर्फ उसकी टाइप फाइल देकर डेटाबेस में वेर केयर उसकी टाइप रखें, वो अपलोड हो जाती है। इसमें इसको अपलोड करने के लिए प्रॉपर लाइब्रेरी बनाई है इमेजेस को। हाँ, इसके अगेंस्ट एक दो तीन नई चीजें आ गई हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं और आप पाकिस्तानी शॉर्टकट चाहते हैं तो क्लाउडनरी इसकी जगह एक नई लाइब्रेरी आ गई है, क्लाउडनरी। इसका भी यही काम है, कोई फाइल अपलोड करनी, इमेज करनी है, आपने वीडियो करनी है, ऑडियो करनी है, आपको ये फ्री ऑप्शन देता है कि आप इसके सर्वर पे डिप्लाई कर सके फ्री। इसका ऑब्वियसली तरीकाकार और होगा। और अब S3 पे भी, अमेजोन S3 पे भी ये चीजें हम कर रहे हैं। S3 पे इमेज अपलोड, अमेजोन और S3 का एक पैकेज है, यहाँ पे भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असल वैलिड तरीका है ना, वो ये है, जो नोड के साथ काम करते हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं, जिन्होंने एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। जब आप एक खास लेवल पे जाएंगे उसके बाद ही आपसे पैसे मांगना शुरू हो जाएंगे, ये वाले भी पैसे मांगेंगे आपसे। हाँ, ये कोड तो आपने खुद लिखना है और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से साइज भी रख सकते हैं। कि मैंने अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे आप पिक्चर अपलोड करते हैं, वो कहते हैं यार 1 MB से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैंने 50 KB से एक्सेप्ट ऊपर नहीं कर दी, इसको नीचे करें, रिड्यूस करें। वो हम फिर कंप्रेस करते हैं या उसके पिक्सल जैसे भी हाइट काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर कस्टमाइज काम भी कर सकते हैं, इनमें आपको इतनी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं, वो अगर आपने करना है तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप जेन्युइन तरीका सीख लें तो ये ज़्यादा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोर चीज़ों पे काम करने की, यानी जो बिल्ट इन चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं इस मकसद के लिए। लाइब्रेरी की तरफ आप कब जाएं? क्या कर रहा है ये, सो गया? अब जो जो चीज़ें रह गई हैं ना आपकी बैकएंड की, वो फोल्डर स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएगा और वो टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे। अब जैसे बीक्रिप्ट है, फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अब पहले हमने पासवर्ड सीधा सीधा भेजा है, अब पासवर्ड डेटाबेस में भेजेंगे हैश करके। पहले हमने सिंपल सिंपल काम किए हैं, पहले
हमने सिर्फ डाटा स्टोर किया यूजर का, अब उसकी पिक्चर भी अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर आपने ई कॉमर्स बनानी है तो आपने वेंडर्स को या उसके ओनर को एक डैशबोर्ड बना के देना है, वो वहां से प्रोडक्ट ऐड करे। ये मैनुअल नहीं होता, आप बैकएंड पे डैशबोर्ड बना देते हैं, वहां पे एंट्री करें और वो यूआई पे मैप लगा दें, वो ऑटोमेटिक शो हो, जैसे जैसे नया स्टॉक आए वो ऑटोमेटिक मैप होता रहे। लेकिन वहां पे आपको ये सारा काम डैशबोर्ड की साइड पे करना पड़ेगा, वो तो एज ए डेवलपर आपने कस्टम लॉजिक तो खुद लिख के देनी है। राइट्स वगैरह वो जितने देंगे वो तो आपको क्लाइंट या ऑनर बता देगा कि यार इसको इससे ज्यादा एक्सेस नहीं देनी मैंने। लें जी ये बस इतनी की फाइलें बन गई हैं, इसमें अब वो वाला एक दफा पार्ट कंप्लीट करते जाएं। अब सर्वर की बजाय इंडेक्स की फाइल बना लेते हैं, index.js। इसमें आपने वही सारे काम करने हैं, इंपोर्ट वाला तरीका कर रहे हैं आप, सर तो इंपोर्ट वाले से यहाँ पे फिर उसकी टाइप बदलनी पड़ेगी, टाइप तो इसको क्रॉस कर दें, बल्कि वो नोड मोन भी करते ही जाए, नोड मोन कर ही दिया इधर, ये आ गया। इधर स्टार्ट का स्क्रिप्ट लिख लें, स्टार्ट नोड मोन index.js, इसके अलावा कुछ यही तो नहीं करना, नहीं। चलो जी इधर आ जाए, यहाँ पे आप फोल्डर बनाए इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, उसके अलावा एक वेरिएबल में इसको साइन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक पोर्ट बनानी तो उसके लिए मुझे एक अदद फाइल चाहिए .env। इधर मैं अपनी पोर्ट सिक्योर करके रख लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ 8000, ये है। और उसका मोड भी एक बना देता हूँ, DB URL भी यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, DB_URL। अब हम दो डेटाबेसिस पे काम करेंगे, लोकल DB, उसकी स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी, और एक ऑनलाइन DB जो अटलस की हम बनाएंगे। अभी आपने सिर्फ डेस्कटॉप की पढ़ी है ना, अब हम ऑनलाइन भी डेटाबेस बनाएंगे, और एक ऐप मोड बना लेते हैं, ऐप मोड। अभी मेरी एप्लीकेशन चल रही है डेवलपमेंट, तो कोड भी बना दी, ये अभी जैसे जैसे URL मिलेंगे इसको हम कमेंट कर देंगे। इधर आ जाए, यहाँ पे हमने कोड रखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट करके कोड ले लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं process.env.code, या तो वो उठा ले या हम उसकी बाय डिफॉल्ट ये वाली दे देते हैं, app.listen, यहाँ पे दे दें कोड, और यहाँ पे दे दें आप console.log, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट, ये भी डायनेमिक कर दिया मैंने, और कलर्स भी यहाँ पे कर लें इसको, तो इम्पोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर्स, ये कलर्स वर्ड होता है, वेरिएबल आप जो मर्जी यहाँ पे ABC रख लें, लेकिन ये लाइब्रेरी कलर्स की होती है। .bg ब्लू कर दें, bg ब्लू और टेक्स्ट वाइट, कंट्रोल एस, ये लें। ये इनिशियल सेटअप हो गया, इसको यहाँ पे चला लेते हैं, CLS NPM start, नहीं सर्वर स्टार्ट हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप हमें डेटाबेस की फाइल चाहिए, सबसे पहले डेटाबेस का फोल्डर बना लेते हैं, इसके लिए हमें बाद में मॉडल्स चाहिए जिसमें यूजर्स का प्रोडक्ट्स का स्कीमा बनेगा, हमें राउटर्स चाहिए, हमें कंट्रोलर्स भी चाहिए, उसके अलावा हमें हेल्पर्स चाहिए और मिडलवेयर चाहिए। मल्टर की लाइब्रेरी भी हमने कर लिया, तो मल्टर भी ऐड करते हैं। चलो जो जरूरत पड़ी और फोल्डर बना लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें कोई नहीं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DBcon.js import
मोंगूस, राम मोंगूस, और यहाँ पे लिख दें एक फंक्शन ही बना लें, कॉन्फ डीबी कनेक्शन, एक एरो फंक्शन बना लें, इसको बेशक आप एसिंक का वेट कर दें और ट्राई कैच में ले दें, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दें, इधर भी कलर्स कर लें इंपोर्ट, ये आपको पता है चीजें इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम कलर्स इधर आ जाए, एरर इन डीबी कनेक्शन डॉट बीजी रेड कर दें और टेक्स्ट वाइट कर दें, अदरवाइज यहाँ पे हम उसको कनेक्शन कर दें मोंगूस डॉट कनेक्ट, किससे करना है इसके अंदर मैं उसकी यूआरएल दे देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर लोकल डीबी है तो लोकल के भी दे देते हैं, मोंगूस बंद कर दिया, मोंगू डीबी किया, www.127.0.0.1 कॉपी कर लें कनेक्ट, और यहाँ पे आगे कर दें इसको पेस्ट, ये स्लैश उसकी डेटाबेस का नाम दे दें यूजर्स डेटाबेस, इसको पकड़े इधर एक डेटाबेस बना के रख देते हैं यूजर्स डेटाबेस, और यहाँ पे लिख दें यूजर्स लिस्ट, ओके जी। अब इसको इधर एक्सेस कैसे करेंगे आप, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट ये वाला जो भी आपने नाम रखा है ये, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका काम हो गया जी, ठीक है इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डीबी कनेक्शन, ये इधर इंपोर्ट कर लें, डीबी कनेक्शन, और इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दें कनेक्शन विद डेटाबेस, चलो और यहाँ पे कर दें डॉट जे एस, कंट्रोल एस इधर आ जाए, जे एस कंट्रोल एस, इधर अभी हमने ई एन वी भी सेट नहीं किया, इम्पोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी, और यहाँ पे कर दें, अच्छा वैसे साथ भी आप कर सकते हैं रहते हैं यहाँ पे डॉट कॉम भी इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे करें डॉट ई एन वी डॉट कॉम भी, ये लें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट ई एन वी, कोशिश क्या करें अपने ना कोड को कमेंट करने की आदत डालें, अगर आपको पहले नहीं है तो इसको ज़रा हैबिट बनाएं, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, तो आप अपने कोड को लाइन बाय लाइन कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद आपको किसी को भी आप अपना कोड देंगे ना उसको कोई यार आप फाइल इंडेक्स की फाइल देख लो आपको देख ही समझ आ जाएगी, वो ये लाइनें पढ़ के लॉजिक, बेशक उसको इधर नाम भी पता हो ना कि नीचे आपने क्या प्रोसेस किया है, इस लाइन से आप उसको काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा, हर बंदे के कोड लिखने का अंदाज अलग अलग है, तो कमेंट्स आपको काफ़ी सपोर्ट देते हैं। डेटाबेस नहीं कनेक्ट हुई भाई, इसको अगर मैं एसिंक का वेट नहीं बनाता नहीं नहीं ये तो बैकएंड है भाई, एक्सियस वो बैकएंड पे हम काम कर रहे हैं, वो फ्रंट एंड पे यूज हो,
इधर एक दफा उसको पास करके देख लेते हैं कि यूआरएल में तो नहीं कोई मसला आ रहा। कॉपी बाद अगर ये फाइल पिक नहीं करता, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सिस्टमों पे ना हमारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो बार दफ़ा ये इशू आते रहते हैं डेटाबेस के ना कनेक्शन में। इसको लोकल पे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट कर दें। ये लाइन गड़बड़ आ गई है, यहाँ पे ले दें। ये भी रोला होता है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं तो फाइलों के कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लोकल पे उसका आईपी एड्रेस सेट करते हैं। मी तो आप ठीक हो जाए नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा 270 17 270 17 इधर भी लिखा 2017। मसला आना तो नहीं चाहिए एसिंक का। कोई गलती तो नहीं कर रहे मेरे ख्याल में। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन होगा तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। हाँ जी, कहाँ गलती कर रहे हैं?
वैसे लिखा तो कुछ भी नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ नीचे दिन घबरा मैं कनेक्ट भी हो चुका लिखा हूँ। हाँ मेरे कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। कनेक्ट मेरा ठंड की वजह से दिमाग जाम है, आप तो सही बैठे हुए हैं ना। ग्रीन। चलो खैर आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा अब चलते हैं, देखें आपने यहाँ पे पहले वाला स्नैरियो लेके आए जेन में। मैंने यहाँ पे एक एप डॉट गेट का राउट बनाया था, यहाँ पे ये वाला पाथ था स्टार्टिंग पाथ। यहाँ फिलहाल जस्ट एक डमी दे देते हैं, रजिस्टर ही दे देते हैं, और यहाँ पे दो चीजें आप पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी रिस्पॉन्स डॉट सेंड H1 के अंदर साइन अप है। ये आपने अभी पढ़ा हुआ है ये वाला। अब ये इसको क्रैश नहीं कर रहा है, ऐप बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा वो ऐप ही हमने उड़ा दी मेरा। ये वो कहता है उसको यूज पहले ऊपर करना है, ये वाला असल में वो कहना चाह रहा है। हम यूज पहले कर रहे हैं और इनिशियलाइज बाद में किया हुआ है ये। अच्छा जी ये वाला तरीका आपने पढ़ा है, अब इसी को देखें डिवाइड कैसे करना है। मैं सबसे पहले इसको हमने कहते हैं राउट बनाना, गेट मेथड है, राउटर में जाए, राउटर्स किधर चले गए जी आपके राउटर, ये आ गए। यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूजर राउटर डॉट जे एस। इसके अंदर उसी तरह इम्पोर्ट एक्सप्रेस आपको करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सप्रेस के अंदर आपको मिलेगा राउटर की लाइब्रेरी, इस तरह मेथड। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ राउटर में, जैसे ऐप में कर रहे थे। अब एक्सप्रेस के अंदर आपको सारे राउटर मिल जाते हैं जब आपने फोल्डर स्ट्रक्चर करना हो। अब फायदा क्या, आप ये काम कर सकते हैं राउटर डॉट गेट, यही वाला होम के लिए होम का बना लेते हैं ये वाला, और एक बना लेते हैं रजिस्टर का। यहाँ पे अब आपका यहाँ से ये वाली स्टोरी खत्म होगी, ये रह गया बाकी पार्ट, ये यहाँ आना चाहिए था, यही वाला आना चाहिए ना यहाँ पे, ये है। इसको लिख देते हैं रजिस्टर, यानी अब ये उधर से इसकी स्टोरी खत्म होगी, आप ये कह सकते हैं उधर से इसकी कहानी खत्म होगी, यहां से दोनों ही खत्म होगी। अब ये वाला जो पार्ट है ना, वो कहते हैं आप इधर काम कर क्यों रहे हैं, ये वाला आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आप राउटर ही कंट्रोलर अलग बना रहे हैं। इसको कट करें यहाँ पे, इसके लिए कंट्रोलर पूरा बना दें, यहाँ पे इधर आए, यहाँ पे लिखें यूजर कंट्रोलर डॉट जे एस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसका नाम दे दें यूजर कंट्रोलर, ये वही वाला है ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, वही उसको एक फंक्शन का ये वाला था ना। हाँ जो लॉजिक लिखनी है वो कंट्रोलर में होगी, ये लॉजिक आ गई। अब फिर इधर तो हमने ये वाली कहानी तो पूरी करनी थी, इधर यूजर कंट्रोलर को कॉल कर ले, वो बन चुका है, ले लो हो गया पूरा। इसी को ही इधर भी ये पहले ये लिखा हुआ था ना, तो इसको मैंने नई फाइल में लदा कर दिया और उसके नाम को यहाँ पे कॉल कर लिया। देखिए आसान हो गया ना, चीजें लदा लदा हो गई है, चीज वही है, चीजों को तोड़ दिया। अब इसे कोड को हैंडल करना आसान है और बड़ी से बड़ी लॉजिक को भी लिखना आसान है। चलें ये देखें, ये वाला भी बन गया, कंट्रोलर भी अलग हो गए। तो अब इसे यूज कैसे करना है, इसके अंदर अब तरीका ये आएगा एप डॉट यूज।
ये राउटर को आपको यूज करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल में रख के स्टोर कर लें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। जितने भी राउटर होंगे वो इस फाइल में सारे, इसका नाम यही रहेगा, ये एक दफा ही कनेक्ट करनी है आपने ऐप से। इधर राउटर मुझे चाहिए, ऐप डॉट यूज आएगा यहाँ पे, ऐप डॉट यूज किसको मैंने करना है, राउटर पे। ये राउटर आ गए, लेकिन वो कहते हैं प्रोफेशनल पता है क्या तरीका कार है, आप अगर ऐसा भी करेंगे कि काम तो आपका हो जाएगा। अब आपकी एपीआई कितनी हमने रखा है सर्वर, 8000, इसको तो फिलहाल कमेंट कर देना अभी, इसको भी करेंगे। 8000 पे अगर हो मेरा, मैं हिट करता हूँ यहाँ पे कॉपी करके, 8000 हो मेरा यहाँ पे सर, अभी क्लास चल रही है। कौन सी बैठ जाए, हाँ लेकिन इधर बैठ जाए, लेकिन चुप करके बैठना है यहाँ पे, रजिस्टर मेथड गेट ही है, सेंड करते हैं ये क्या कर रहा है। और जेएस लिखा तो नहीं उसके साथ, मिस तो नहीं कर दिया, ये बड़ा पंगा है ये, देखें जेएस का मसला, आपने ये खुद ही ज़हन में रखना। अब क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कह रहा है, आप यूजर कंट्रोलर को क्यों कह रहे हैं, यूजर कंट्रोल हाँ हम इसको इधर करते ही नहीं, हम इधर कॉन्स्टी लिख देते हैं, ये लोग इधर कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अब ठीक है। मसला तो नहीं, वो तरीका नहीं है एक्सपोर्ट करने का आ रहा है, मैंने तो कहा था टाइम बच जाएगा, मेरे लिए वो कॉन्स्ट की वजह से उसका तरीका बदल जाता है। बहरहाल इसको हम रिक्वेस्ट हिट करें, अब क्या प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, 8000 है, डेटाबेस का तो भी काम ही कोई नहीं है, 8000 है, तो मैं इसको यूआई पे हिट करके देख लेता हूँ, लोकल होस्ट 8000, कैन नॉट गेट, इसको इधर आ जाए डेविड, अच्छा हाँ ठीक है ओके। वो कहते हैं कि जब आपने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो इसके कोशिश करें एंड पॉइंट्स बनाएं, एंड पॉइंट, ये राउटर तो आपका रहेगा ही रहेगा। अच्छा राउटर को हमने वैसे सही किया, वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर रजिस्टर, पाथ ही हम गलत हिट कर रहे हैं, रजिस्टर भी तो लिखे ना, पाथ हमने रजिस्टर का बनाया हुआ है, होम पे हिट किया जा रहा है, इधर भी सही आ जाना था, देखिए इधर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं थी, देखिए आ गए। अच्छा ये तरीका फिलहाल बेस्ट तरीका ये कि जब आपने ऐप में यूज करना, तो वो कहते हैं इसकी बजाय ना एंड पॉइंट बनाएं। एंड पॉइंट पता कैसे बनाते हैं, इसको खत्म कर दें, API/v1/users या और ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं, और यहाँ पे राउटर को आप करें, ये एंड पॉइंट होता है इसका। एंड पॉइंट का क्या फायदा है, इस एंड पॉइंट की मदद से आप पूरी एप्लीकेशन सिक्योर कर देते हैं। अब जब आप यूज करेंगे ना, पहले वाला जो आपका लोकल होस्ट 8000 है वो तो आप हाइड करेंगे, अब ये एक एंड पॉइंट बचेगा, एंड पॉइंट आपकी एक ब्रॉड डोमेन वाइज अलग अलग होंगे, मतलब मैंने ऑथेंटिकेशन का जितना काम करना होगा ना, वो मुझे ये देखें ये एंड पॉइंट देख के समझ आ रहा है ऑथ। हाँ अब अगर मैंने ये पहला देखें एपीआई के, मैं एपीआई बना रहा हूँ V1, उसका version 1 है ऑथेंटिकेशन का, फिर जब मैं हो सकता है V2 बनाऊँ, इसमें मैं रख लूंगा फोल्डर, इन V1 और V2 से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड पॉइंट से कि आपने उस पूरे एंड पॉइंट के अंदर रखा क्या है।
ये एंड पॉइंट काफी हेल्पफुल है, ना भी करें तो मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखा ही दिया, यहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कोई मसला नहीं। ये प्रोफेशनल तरीका है, मैं ऑथ का काम इसमें करूंगा। अब ऑथ के जितने भी आपके राउट्स होंगे इसमें बनते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ बैट के अंदर, यूजर्स, यूजर लिस्ट, कंट्रोलर में एक कंट्रोलर भी फिर बना लें आप यहाँ पे, ये लें, यूजर कंट्रोलर ट्री कर लें। अब अगर आपने मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करना है तो एक ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा, इस तरह नहीं कर सकते आप, यूजर कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर टू, और यहाँ पे लिख दें यूजर्स लिस्ट, ठीक हो गया। ये भी अगर इनको इंपोर्ट करने का तरीका भी फिर बदल जाएगा, ये कमेंट कर दें। वैसे तो आपके यहाँ करली ब्रैकेट्स ही लगनी है ये वाली चीज, क्या ख्याल है? और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर टू कर दें, किस बात की? ये वाले गेट है, ये नहीं समझ आ रहा, ये वाले तो मैं अलग अलग एक पे डाटा मैंने रजिस्टर करवाने का रखा हुआ है, मैं तो समझाने के लिए राउट बना रहा हूँ, ये कोई फिक्स थोड़ी है। मतलब आप एक पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स रख लें, चलो ये कर लो अब, ठीक है। एक से आप डाटा गेट कर रही हैं, गेट कर रही हैं। अच्छा चलो ये फिर मैं वापस कर देता हूँ, ये एंड पॉइंट बनाने का तरीका का आ रहा है प्रोफेशनल। आप बना क्या रहे हैं? एपीआई बना रहे हैं, V1 होता है उसका वर्जन बनाते हैं, इसलिए V1 रखा होता है इसको वर्जन। मिसाल के तौर पे कल अभी आपने सिंपल यूजर्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है, कल को आप उसके अंदर ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं, V1 रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने इसके अंदर सिंपल यूजर है। आप इस चक्कर में ना पड़े एंड पॉइंट में, आप यहाँ तक कर लें, इतना ही रखें आप, ये आपका इधर ही काम होएगा, दो चार दफा करें आपको समझ आ रही है। वो आपको इसलिए मैंने बताया कि आपको जितने भी एंड पॉइंट इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आपने अपनी फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट आप वो लोकल होस्ट पूरा नहीं लिखेंगे, उसको आपने हाइड कर देना है, वो तो आपका हाइड है, हमने एपी जो आपका आईपी एड्रेस है, मिसाल के तौर पे ये लोकल होस्ट जो है आपका 8000, ये नहीं आपने वहां पे अब शो करना, आपने सिर्फ इसको कॉल करना है, इसको हमने हाइड कर देना है, इसको अब कॉल करेंगे, इसके आगे आप सिर्फ स्लैश रजिस्टर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जो फ्रंट एंड में हम काम कर रहे थे ना, यहाँ पे ये देखें, इसीलिए देखें अभी सीधा सीधा, अभी तो पहली क्लास, अगर मैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर कराता तो क्या बनता, ये गायब हो जाएगा सारा, यहाँ ये यहाँ पे आ जाएगा /V1/ पहले वाला पाथ गायब कर दिया, वो मैं सिक्योर कर दूंगा। इसका फायदा ये होगा, जहाँ मर्जी मैं एप्लीकेशन डिप्लाई करूँगा, मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या मैंने लॉजिक लिखी है, मेरा आईपी एड्रेस कौन सा है, वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते, इवन ऑन क्लाइंट साइड। ना भी करें आपकी एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पॉइंट बनाना एक प्रोफेशनल अप्रोच है, और ये उसका पैटर्न है एपी। आप लाजमी नहीं कि आप V1 लिखें लिखें सार ना लिखें, आप खाली एपीआई तो बना ही रही है ना, ये तो आप मानती हैं इतनी कि आप एपीआई बना रही हैं, किस चीज से रेलेवेंट बना रही हैं, ऑथ से रेलेवेंट, V1 को निकाल लें। अब ये वाला आपका पाथ बन जाएगा लोकल होस्ट 8000 /API/ऑथ/रजिस्टर, आप हिट करके इसको देख लें, इसको कॉपी करें और इधर आ जाएं यहाँ पे, सर्वर तो नहीं हुआ। अच्छा वो दो हमने नई एप्लीकेशन बना दी है ना, यहाँ पे हम इनको फिलहाल उड़ा दें, अभी इसको वापस उसी फॉर्म में ले जाएं,
API स्लैश और स्लैश रजिस्टर, इसको कमेंट कर दें PLS npm star आप इस रिक्वेस्ट को हिट करें आप। अब 1000 भी निकाल देंगे सर ये सारा ही गायब हो जाएगा, ये एक्चुअल पाथ हम इसके साथ खेलेंगे, असल काम इसके साथ होगा। आप देखें ना कितने भी आप ट्यूटोरियल देखें या प्रोजेक्ट्स बड़े देखें, आपको ये वाला लिखा पता नहीं, परेशान होता नहीं है एपीआई क्या लिखा होता है, असल काम ये इसका मतलब कि हम एपीआई बना रहे हैं, ये राउट देख के आपको पता चलेगा कि हम एपीआई पे काम कर रहे हैं, ये एपीआई किस चीज़ से रेलिवेंट है, हम इसमें ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं, उसका राउट क्या है ये वाला, इसको एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकें, आप ना भी बनाए फर्क नहीं पड़ता, ये तब आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं। अब ये देखें, यही अगर मैं पहले दिन ही पढ़ाता तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएंगी, क्या मैंने कोई नई चीज नहीं की, अभी सिर्फ गेट को ही मैंने फोल्डर में डिवाइड किया, अभी तो मैंने सेव सू वाला कोई काम नहीं किया, उसी को ऐसा ऐसा मैंने एक्सप्लोर किया, अब ये ऐसा ऐसा फोल्डर फिल, देखे हमारा राउटर भी कंट्रोलर बन चुका है, हम मॉडल्स के अंदर हम उठा के वही कॉपी पेस्ट कर देंगे जो यूजर का बनाया है, वो इधर आ जाएगा, डेटाबेस भी बन गया, हाँ ये भी बन गया आपका राउटर अभी कवर, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे 2-3 दिनों में ये सारे फोल्डर फिल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, हजम करना मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। सर मैं जी जो कहेंगे मैं करा दूंगा, हाँ मुझे कोई परेशानी है, मुझे तो अभी कहें मैं अभी पढ़ा दूंगा, मैंने कोई घर से किताब थोड़ी पढ़ के आई होती है, मुझे सिर्फ टॉपिक आप बताएं कि कल क्या पढ़ा है बस, बाकी मुझे पता होता है कि आगे क्या पढ़ाना है। रीडक्स पढ़ना, लेकिन उस पर आप ये कम से कम ये फैसला कर लें कि पढ़ना किस तरह है, नहीं वो है भी सब में एक लॉजिक पढ़ लेना, वो सब की उसका असल फ्लो है, फ्लो समझना उसका कमाल है। आप शॉपिंग कार्ड के साथ समझ लें या क्रेडिट के साथ समझ लें, कोई इंक्रीमेंट के साथ भी समझ लें तो काम कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है ना फिर। हाँ अगर शॉपिंग कार्ड के साथ करेंगे तो